हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं, जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन को लेकर। और मध्य प्रदेश सरकार ने ये तय कर लिया है कि जब रिजर्वेशन पे कोई रोक नहीं है तो आगामी जितनी भी भर्तियाँ हैं उन पर जो OBC भाई बहनों को लाभ दिया जाएगा वो 27% के हिसाब से ही दिया जाएगा। और जो केस कोर्ट में चल रहे हैं उनका भी हवाला दिया गया है। खास तौर से मैं यहाँ पर शिक्षक भर्ती की बात करूँगा तो उस पर भी डिस्कशन आया है दोस्तों। तो हम आज रिजर्वेशन पर जो भी अपडेट आया है निकल के उसी की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़पेपर है, जैसे आप देख रहे हैं, दैनिक भास्कर है, ग्वालियर का एडिशन है दोस्तों। और ये आपका जो है ग्वालियर, शुक्रवार 27 अगस्त 2021, और पहले पेज पर ही ये न्यूज़ दी गई है। इस न्यूज़ का हम विश्लेषण कर लेते हैं दोस्तों। और इसमें साफ लिखा है कि मध्य प्रदेश OBC के 27% आरक्षण देने कानून पर रोक नहीं। तो किसी भी तरह कानून पर रोक नहीं है दोस्तों। और इसमें आगे लिखा है कि सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थाओं में 27% आरक्षण का लाभ देने की तैयारी प्रदेश सरकार की। तो जो आगामी अब जितनी भी भर्ती होनी है या जो भी सरकारी संस्थान हैं उनमें एडमिशन होने हैं, प्रवेश होने हैं, वो 27% OBC रिजर्वेशन के साथ ही होगा दोस्तों। ये कन्फर्म हो चुका है। जिसके बाद राज्य सरकार ने कानून के जानकारी से ली राय, जो कानूनी जानकार हैं उनसे भी यहाँ पर राय ली गई है दोस्तों। और कोर्ट ने इन याचिकाओं पर 27% आरक्षण देने पर लगाई है रोक। तो किन याचिकाओं पर रोक लगाई है उसका भी अपडेट आया है। तो हम पूरी न्यूज का पहले विश्लेषण कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रदेश में OBC को 27% आरक्षण देने के कानून पर रोक नहीं है। इस लिहाज से राज्य सरकार सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को बढ़े हुए 14% से 27% आरक्षण का लाभ देने जा रही है। इस बारे में हाईकोर्ट में महाधिवक्ता की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग ने राय ले ली है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जिन 6 याचिकाओं पर कोर्ट ने 27% आरक्षण देने पर रोक लगाई है उन्हें छोड़कर बाकी सभी तरह की नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं के आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो जिनकी सुनवाई चल रही है 6 याचिकाओं पर, सिर्फ उन पर ही जो है रोक लगी हुई है। और जो और रिजर्वेशन है, यानी कि जो और भर्तियां निकलेंगी या फिर एडमिशन होंगे, उन पर कोई भी रोक नहीं है। वहां पर 27% आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार OBC को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर प्रतिबद्ध है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कानून के जानकारों ने राय ली गई है। इसमें यह बात सामने आई है कि चूंकि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर बनाए गए कानून पर रोक नहीं है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कानून जो बना है उस पर कोई भी रोक नहीं है दोस्तों। तो उसके तहत ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। सिर्फ 6 याचिकाओं जिन पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है उन पर 14% आरक्षण रखने का अंतरिम आदेश दिया गया। तो जो 6 याचिकाएं लगाई गई हैं जिनमें नियुक्ति होनी है, उनमें जो अंतरिम आदेश जारी किया गया है वो 27% के हिसाब से नियुक्ति देने का किया गया है। वहां पर सुनवाई चल रही, इसलिए वो 27% है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही देने में। अब आगे हम देखते हैं, इसलिए पिछड़ा वर्ग के आरक्षण दिए जाने का प्रदेश में कानून लागू है और इस वर्ग को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। इस बात का महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे अभिमत में जिक्र है। इसके बाद सरकार जल्द ही आगामी दिनों में 64 विभागों में रिक्त 1 लाख से ज्यादा खाली पदों को भरे जाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस भर्ती में OBC को 27% आरक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये सुखद खबर है कि 64 विभागों में करीबन 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं और उन्हें आगामी दिनों में भरा जाएगा। और जो हमारे OBC भाई बहन हैं उन्हें 27% रिजर्वेशन वहां पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर रोक लगी हुई है। तो प्रकरण क्रमांक 5901/2019 में PG नीट वर्ष 2019-20 में प्रदेश में 27% आरक्षण लागू न करने, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मेडिकल अधिकारी की भर्ती से संबंधित याचिका में 31 जनवरी 2020 को अंतरिम आदेश पारित किया, भर्ती विज्ञापन के हिसाब से की जाए लेकिन रिजल्ट न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित न किया जाए, जिसमें कोर्ट ने 13 जुलाई 2021 को
मॉडिफाई कर दिया है। इसमें कोरोना महामारी के चलते डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सूची तो 27% के हिसाब से तैयार करने को कहा गया है, लेकिन भर्ती 14% के हिसाब से की जाए। शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधी याचिकाओं में कोर्ट ने 20 जुलाई 2020 को 31 जनवरी 2020 के ही अंतरिम आदेश लागू किया है। तो इन प्रकरणों के अलावा जो भी प्रकरण चल रहे हैं उन पर जो है दोस्तों सुनवाई चल रही, इसलिए वहां पर जो है ये रिजर्वेशन लागू नहीं किया जा रहा है। और मेडिकल स्टाफ की भर्ती है उस पर जो है एक आईए लगाकर ये परमिशन ले ली गई थी कि जो निर्विवादित सीटें हैं और जो 14% रिजर्वेशन है हमारे ओबीसी भाई बहन, उस हिसाब से भर्ती की जाएगी। और जैसे ही अंतरिम जो आदेश जारी हो जाएगा, कोर्ट की सुनवाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो है ओबीसी को जो पद होल्ड की गए उसका भी लाभ दिया जाएगा। अब इसके अलावा इसमें अगले पेज पर भी खबर आई है, पेज नंबर 2 पर भी इसमें आई है कि सरकारी नौकरियों में यह मामला, दरअसल 15 महीने श्री कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया। इस मामले में पहले मार्च 2019 में अध्यादेश लाकर सरकार ने बढ़ा हुआ आरक्षण लागू किया, जिसे हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था। इसके बाद इस मामले को उस दौरान तत्कालीन सरकार द्वारा कैबिनेट से अनुमोदन के बाद जुलाई 2019 में विधानसभा से पारित कराया और प्रदेश में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में 27% आरक्षण लागू किया गया। इस कानून के लागू होने के बाद जैसे ही सरकारी भर्तियां शुरू हुई उनके खिलाफ हाईकोर्ट में 6 याचिका दायर हुई और कोर्ट के द्वारा बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा दी गई। 14% आरक्षण दिए जाने के बाद कही इधर सरकार कहना है कि चूंकि कानून पर कोर्ट की तरफ से किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है, हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग चिकित्सा शिक्षा और शिक्षकों की भर्ती में 14% की ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने को लेकर अंतरिम आदेश दिया है। ये अंतरिम आदेश श्री शांतिलाल जोशी, शिव अनुराग शुक्ला, चंद्रकांता द्विवेदी, स्वतंत्र कुमार जैन, असीता दोबे और पीयूष कुमार की ओर से दायर याचिका में पारित किया गया है। राज्य सरकार कोर्ट में आवेदन देकर 27% ओबीसी आरक्षण पर लगाई गई अंतरिम रोक हटाने का आग्रह किया है, जिस पर 1 सितंबर को सुनवाई होनी है। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का कानून है, इस पर कोई भी रोक नहीं है दोस्तों। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने पर रोक नहीं है, जिसमें सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में 27% आरक्षण दिया जा सकता है। करीब 1 साल पहले से इस मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। राज्य सरकार को पत्र लिखकर अभी मत दिया गया है कि वह बढ़े हुए आरक्षण का लाभ देकर भर्तियां कर सकती है। हाईकोर्ट में सिर्फ लंबित 6 याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित किया है, उनमें 14% आरक्षण दिए जाने के आदेश हैं। श्री पुष्पेंद्र कौरव, महाधिवक्ता मध्य प्रदेश, इनका ये वक्तव्य है। इसके अलावा राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में अभी मत मांगा था, उस पर महाअधिवक्ता मध्य प्रदेश की ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, जिसके अनुसार सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में 27% आरक्षण दिया जा सकता है। इसमें अभिमत के अनुसार आगे की भर्तियां की जाएंगी। श्री विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये वक्तव्य आया है दोस्तों। तो जो हमारे ओबीसी भाई बहन हैं जिन्हें 27% रिजर्वेशन है, सिर्फ जो 6 याचिकाएं लगी हुई हैं यानी कि 6 नियुक्तियों पर, उन पर जब तक सुनवाई फाइनल नहीं हो जाती तो वहां पर ये प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन आगामी जितनी भी भर्तियां हैं, और जैसे कहा जा रहा है कि 1,00,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी विभिन्न विभागों में, तो वहां पर जो है 27% रिजर्वेशन के हिसाब से की जाएंगी। और जो सरकारी संस्थान है वहां पर जो एडमिशन दिया जाएगा वो भी 27% रिजर्वेशन के हिसाब से हमारे ओबीसी भाई बहनों को दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा तर्क ये है कि जो कानून बनाया गया है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, उस पर किसी भी तरह की कोई भी रोक नहीं है। जब रोक नहीं है तो वो रिजर्वेशन लागू किया जा सकता है। अब 1 सितंबर 2021 को जो हमारी सुनवाई है दोस्तों, वहां पर क्या अपडेट निकल के आता है, शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट निकल के आता है, आगे की जो प्रक्रिया है शिक्षक भर्ती पर, उन पर ही निर्भर करेंगी दोस्तों। तो आई होप कि 1 सितंबर को कुछ ना कुछ अच्छा अपडेट निकल के आ जाए, जिससे कि आप लगातार प्रयासरत हैं दोस्तों, संघर्ष कर रहे हैं, उसे मंजिल मिल जाए और आपको नियुक्ति मिल जाए। तो एक छोटा सा अपडेट था, आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।